मंटुआ। हाँ भैया। ऐसा है ना, ये बांस कटहर बरहर बस बहुत हो गया, हाँ? कुछ बड़ा किया जाए भाई, इसीलिए तो मैं अंकित भाई को लाया हूँ ना। YouTube पे इनके वीडियो मिलियन में जाता है। अच्छा, अंकित भाई अपना परिचय बताइए। नमस्कार भैया। नमस्कार। बहुत दूर से आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। मेरा नाम अंकित आशिक है, मैं एक डांसर हूँ। आपसे अच्छा, मिलकर अच्छा। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, मिलकर हम लोग कुछ बड़ा किया जाए। कुछ बड़ा किया। इस दुनिया में सोशल मीडिया के सितारों का दर्जा किसी स्टार से कम नहीं है। उनकी पहुंच आम जनमानस में ऐसा है कि बड़े बड़े स्टार उनसे जुड़ने लगे हैं। ऐसा ही सोशल मीडिया का सितारा है जॉनी जौनपुरिया, जिसकी धमक पूरे के पूरे जौनपुर में है। उसके वीडियोज पर आते मिलियन व्यूज ने उसे पूरे जौनपुर में स्टार बना दिया है। ये कहानी उसी जौनपुरिया की है, आइए देखते हैं। नमस्ते भैया। अरे नमस्ते भैया, बैठिए बैठिए बैठिए। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग मुंबई से आ रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम अमित है और ये मेरे साथ गुड्डू भैया हैं। हाँ हाँ। हम लोग जब YouTube पे, सोशल मीडिया पे, Instagram अच्छा, पे आपका वीडियो देखते हैं तो काफी अच्छा लगता है। जो जिस हिसाब से आप पॉपुलर हैं, मजा आता है आपके वीडियो में, बहुत अच्छा बनाते हैं। ये वीडियो बनाते ही अच्छा। यही बात है, तो हम लोग जो है यही सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग मिलकर कुछ बेहतर करें, कुछ बड़ा करें। तो बात ये है, हम लोग, मैं और गुड्डू भाई ने प्लानिंग करी थी, हम लोग जो है आपके साथ मिलकर कुछ बड़ा करते हैं, एक फिल्म बनाते हैं। फिल्म? जी। अच्छा अच्छा। हाँ, फिल्म। तो गुड्डू भैया ने एक स्क्रिप्ट लिखी है। अच्छा। और हम चाहते हैं कि आप उसमें काम तो करें। बताइए बताइए। सर, हम एक हॉरर मूवी बना रहे हैं। हाँ, हॉरर। हाँ, जिसमें आपको लीड रोल दिया जाएगा। लीड? जी सर। एक क्या है सर, लीड बोले तो हीरो का। अच्छा, हीरो का रोल। हाँ हाँ, बताइए क्या है। ये देखिए गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं जॉनी जौनपुरिया जी के घर। हम हैं और प्रदीप भैया हैं और ये है उनका घर। चलिए उनसे मिलवा। तो इस फिल्म के लिए हमें एक नदी का सीन होगा, पहाड़ का सीन होगा। नमस्ते भैया। जो है कि नदी नाला, पहाड़, झाड़ी और नदी। अच्छा, ये सब लोकेशन हमें चाहिए। ये सब लोकेशन हमारे जंगल में अवेलेबल है भाई। क्या बात है, यहाँ पे चल। ए मंटुआ, चल सर लोगों को दिखाइए। चल, क्यों नहीं, चलिए 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 दिखा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए सर को दिखाओ। हाँ, नदी भी दिखा देना। अरे मैया यार, जुनू भाई क्या हुआ? अरे ये एक्शन है, एक्शन है, कुछ नहीं। एक्शन है? चलिए चलिए चलिए, ये लोकेशन देख लीजिए। भैया भैया, आप सब घूम के आओ, हमारे पैर में चोट लगा है तो हम। ठीक है, तुम यही रुको। चलिए वहाँ के लोकेशन वगैरह देख लीजिए। उधर पहाड़ी है और उस पार नदी है। ये जगह सही है, सही तो लग रहा है यार। पूरा का पूरा डरावना है। क्या हुआ अमित भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो चले? हाँ। अरे डायरेक्टर साहब, रुकिए मत,
जल्दी जल्दी चलिए। हाँ हाँ आ रहे हैं। ये नजारा तो वाकई में अच्छा है अमित। आइए डायरेक्टर साहब। वाओ, ये सामने पूरा नदी है। वाओ, और नदी के कोरे कोरे ये पूरा जंगल, और ये जंगल नदी के किनारे होते हुए। अपने हीरो की लैंडिंग जो है हम अपनी खास एकदम और इस नदी के किनारे तो सोचना कि ये जो जंगल है कितना खतरनाक लग रहा है। देखो देखो जलवायु, देखो क्या लग रही है। ये देख, जब यहाँ से एरियल शॉट लेंगे ना तो पूरा का पूरा क्या हुआ जोनी भाई। ओ जोनू भाई, क्या हुआ? अबे क्या देख रहा है ये? अरे इधर देखो ना, आज आ जा, आप भी आ जाओ। कोई देखने का चीज है? हैं? क्या यही देखना है हम लोग? यार आप कहाँ से आ जाते हो? हम लोग क्या देखने आए थे और तुम क्या देख रहे हो? असली लोकेशन दिखाइए जॉनी भाई, असली लोकेशन। अरे यार इधर है लोकेशन। लोकेशन पे चलो, लोकेशन पे। कहाँ गई यार? अरे ये भोजू है क्या? चल चल जल्दी चल। जाने दे यार। आओ गुड्डू चलो चलो। अरे यार इधर उधर सब तक ढूंढ लिया, गई कहाँ? मिल जाएगी जॉनी भाई, पता नहीं कहाँ गई होगी। सही बोल भाई। हाँ ए गुड्डू भाई, वो देख, जल्दी आ इधर, जल्दी आ। अरे वाओ, जल्दी जल्दी। अरे कहाँ गई होगी? ये देख, ये जो अपना दूसरा सीन है ना, पूरा का पूरा यहाँ निकल सकता है। अपना फ्रेम ऐसे जाएगा है? वो देखो। अरे हट रे, आओ। ए ए जौनप्रिया भाई, जौनप्रिया भाई, अरे हट रे। अरे पता नहीं कहां से आ जाते हैं लोग। अरे हाँ सर बताइए सर, ये नवाओं वाला शो कब कब से पाल लिया? अरे सर वही देख रहे थे। क्या देख रहे थे? अरे सर लोकेशन देख रहे थे। लोकेशन देख रहे थे, आइए देखते हैं क्या देख रहे थे। देख लीजिए आप, क्या देख रहे थे? क्या हुआ? दिख तो रहा नहीं, इसीलिए बताया ना वहां लोकेशन देख रहे थे। चलिए चलो। क्या देख रहे हैं आप लोग? आप यहाँ कैसे? वैसे आप यहाँ कहाँ? हम लोग तो लोकेशन देखने आए हैं। लोकेशन? और आप यहाँ कैसे? जंगल ही तो मेरा घर है। जंगल? मतलब के जंगल के उस पार मेरा घर है। अच्छा जंगल के उस पार, फिर तो आपको इस जंगल के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, है ना? तो एक काम कर सकती हैं, असल में हम लोग यहाँ पे एक फिल्म बना रहे हैं तो उसी के लिए लोकेशन देख रहे हैं, तो क्या आप हमें जो है जंगल का पूरा नजारा दिखा सकती हैं? बहुत बढ़िया, जंगल के विषय में तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा, तो आप हमको जंगल दिखा देंगे? चले चलिए, चलिए चलो चलो। ये अच्छा हो गया, इस जॉनी जॉनप्रिया चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा। सही कह रहे थे। वाह परफेक्ट जगह, फ्रेम देख भाई। भाई यार
बहुत ही अच्छा। ये नजारे देखते हुए आप लोग चलिए। जरूर जरूर। और फिल्म तो यहीं बनेगी। आइए आइए, बढ़ते रहिए। जरा सोच, हमारा भूत यहाँ से एंट्री लेगा। वाह, देख के डायरेक्टर साहब, कहीं काटा ना चूक जाए। भाई देख, सोच तो कैमरे पे कितना डेंजरस लगेगा ये। भाई मेरा बस चले तो पूरी की पूरी फिल्मों की सीरीज कर दूं यहाँ पे। देखो ये फ्रेम देख कुटू। फिल्म का ट्रीटमेंट हम यहीं पे कर लेंगे। देख ये लोकेशन अपने लिए बेस्ट रहेगा। तूने ये जंगल पहले से देखा था क्या? जैसे लग रही तेरी कहानी पूरी इसी जंगल के लिए बनी है। ये देख, एक एक फ्रेम जो है फिट बैठ रहा। यहाँ से हम ऐसे आएंगे ऐसे। अरे वो देख, छोड़ो नहीं यार, जाने दो उसको। हद, क्या देख रहे हैं जनाब? लोकेशन। आइए आगे, हम दिखाते हैं। तो चलिए ले चलिए चलिए। यार गुड्डू देख रहा है, पूरा फ्रेम सोचता रहे तू भी। क्या लोकेशन तो चाहिए था अपने को? जरा संभल कर चलिएगा। हाँ जी। अरे यार ये तो, अरे डायरेक्टर साहब इतना अच्छा लोकेशन देख के गड्ढे गड्ढे दौड़वा रहे हैं आप। कहीं कांटे ना चुप जाए। अरे अरे अरे, भाई सोच तो अंधेरे में कितना डरावना लगेगा। यार मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। देखिए डायरेक्टर साहब, ये अपने गांव में इसको बबूल का पेड़ बोला जाता है। उसे जो है फ्रेम बनाएंगे और सामने हमारा जो है, भाई ये देख, और ये है गीदर का गुफा। क्या डेंजरस लग रहा है यार। वो जगह देख भाई, वहाँ चलते हैं। अरे राइटर डायरेक्टर कौन सा फिल्म बना रहा है, थका दे रहा है दौड़ा दौड़ा के। बहुत थक गए यार। जानी भाई बस थोड़ी दूर और। अरे बहुत थक गए यार। अरे मैयो जानी भाई थोड़ा आराम से, थक तो गए। गुड्डू भाई आओ यार बैठते हैं। थक गए यार। थक तो गए। लगता है जनाब आप लोग थक गए हैं। गुड्डू भाई सब कुछ तो ठीक है, आप लोग आराम कीजिए, हम दो मिनट में आते हैं। अरे मार डाला रे। लोकेशन परफेक्ट है, अपने बजट में है, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन एक दिक्कत। क्या? ये साले मुझे जॉनी पे ही डाउट है। क्यों, क्या हुआ? देख रहे हो आप, जब से ये काली कुलूटी मिली है उसी के पीछे दौड़ा भागा जा रहा है ये। जब अभी ये हाल है तो अपने फिल्म पे हीरोइन आएगी तब ये क्या करेगा। अरे यार अपने हीरोइन भी तो वैसी है, झार लगी साले। ये बात सही कही। तो यार थोड़ा माइंड का ढीला है, गुड़बक है। उसी का तो अपने लोग को फायदा उठाना है। कॉमेडियन के तौर पे वो अच्छा है। एक काम करते हैं, पार्ट वन में रखते हैं, अगर गलत किया तो पार्ट टू से हटा देते। हाँ हटा देंगे। इसका क्या, इसको लेना इसलिए जरूरी है कि अपने कहानी के हिसाब से ना ये लोकेशन एकदम परफेक्ट है। बात सही है। और ये लोकेशन इसके एरिया में आता है। बात सही है आपकी। ये देखिए ना पूरा का पूरा। अरे जनाब आराम हो चुका हो तो आगे चलें देखने। हाँ हाँ। अरे ओ राइटर डायरेक्टर साहब, अरे कजरी आ गई जी।
फिर से साला शुरू हो गया। मैं कह रहा हूँ अभी भी मुझे इस पे डाउट है, लेकिन आपके कहने पे ले रहा हूँ इसे। सब हम देख लेंगे, सब एक एक फ्रेम का सिनेमेटिक लुक जो है ना कमाल का, पूरा एरिया ही मस्त है। ये देखिए पूरा का पूरा जो है एक फ्रेम में जो है एकदम खूबसूरत आएगा। तो कैसा लगा हमारा जंगल? ये हमारे फिल्म के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन है। मैं तो सोच रहा हूँ ना अपनी पूरी फिल्म यहीं खत्म करूँ, क्यों गुड्डू भाई? बहुत बढ़िया, ये स्टोरी के हिसाब से हमारा लोकेशन एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे हम लोग जरूर शूट करने के लिए आएंगे। फिलहाल तो अभी टाइम ज्यादा हो गया है, हम लोगों को घर भी जाना है, इसलिए इजाजत दीजिए। जी बिल्कुल, चलिए आओ दोस्तों। अरे मत डाला रे, कहाँ जा रही है मेरी जानी? क्या कर रहा है यहाँ पे जूनी भाई, क्या देख रहे हो यार? अरे वही लोकेशन देख रहे थे। लोकेशन देख लिए? आप लोग लोकेशन देख लिए? फिल्म बनाएंगे। अरे आराम से चलो यार, किधर जाएं? एक काम कर, इधर चलते हैं। हाँ यार चलो। जल्दी जल्दी चलिए, हाँ शाम हो रहा है डायरेक्टर साहब। समझ के आ जाए। अरे यार डायरेक्टर साहब संभल के, आराम आराम से आना। हाँ इधर आओ, इधर। और शाम हो गया, पता नहीं रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा जानी भाई, यार लगता है हम लोग फंस गए। इधर आओ, आगे है रास्ता, चलो रे चलो। शाम हो रही है यार, जल्दी निकलो। अरे जंगल ठीक लगा राइटर साहब? साले तेरे चक्कर में हम लोग कहाँ फंस गए? पिछले 3 घंटे से हम लोग भटक रहे हैं, लेकिन अभी भी जंगल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। और साला तू है कि बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। कुछ पता भी है तुझे इस जंगल के बारे में? चलाई लड़की के चक्कर में फंसा दिया। अरे राइटर साहब कौन कौन रास्ता में है ले चल रहे हैं? चुप कर, सब साले तेरे चक्कर में हुआ। लड़की कौन देख रहा था, सब तुम लोग फंसाए हो। साला समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ चल रहे हैं हम लोग, जंगल के चक्कर में हम लोग कहाँ फंस गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। साले सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ हमारी वजह से हुआ? गुड्डू भाई आराम से आना। हाँ यार आराम से। अरे देख के, अरे कौन कौन गुफा से लेके चल रहे हैं? अरे चला, अरे यार ये तो छुपा छुप। अरे साले आराम से। अरे ओ, 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 अरे बाप रे बाप। अरे जानी भाई लगी तो नहीं? अरे यार आप लोग कितना जंगल घूमेंगे? ये साला इतना ओवर बोल रहा है जो किसी के चक्कर में सब गड़बड़ हुआ है। अरे यार शाम हो गई है, अब चलो घर यार। अरे चल कहाँ रहा है यार? इधर नदी है, इधर तुम लोग कहाँ से आ गए? अबे साले तेरे चक्कर में सब हुआ। ये ना न उस लड़की के पीछे पड़ता और ना हम जंगल में फंसते हैं। अभी तक लोकेशन देख के हम लोग निकल चुके होते। शाम होने वाली है, रास्ता मिल ही नहीं रहा। अरे यार बस करो, चलो हम दिखाते हैं। आओ आओ दिखाते हैं, चलो। जब से आया तब से रास्ता ही दिखा रहा है। फूटी किस्मत। अरे यार लेट मत करो, रात हो रही है, चलो।
यार, रास्ता ही नहीं मिल रहा है। अरे चुप कर, कहाँ चले हैं? वो ले जा रहा। अरे अरे, आप लोग अभी गए नहीं? अरे क्या करे, जंगल में भटक गए थे हम लोग, काफी देर से इधर से उधर जिधर घूम फिर के वहीं आ रहे हैं। पिछले 2 घंटे से हम लोग परेशान हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। अब तो शाम भी हो गई है, अगर आप लोग बुरा ना माने तो हमारे घर चलिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अबे ये क्या? अरे शाम हो गई है, चले चलिए। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, रात शाम होती जा रही है ज्यादा। चलो गुड्डू भाई। अरे अरे, आप लोग डर क्यों रहे हैं, आइए। अरे डरने की क्या बात है, जैसा आपका घर वैसा हमारा घर, चलिए। यही है हमारा छोटा सा आशियाना, आइए अंदर आइए। का डेरा है ये तो। घर क्यों होता है? सब तुम्हारे चक्कर में हुआ। अरे मुझे क्या पता कि ये साला जोड़ी जोनपुड़िया लाके हम लोग को यहाँ फंसा दे। क्या देख रहे हैं आप लोग? आपके शहर में तो आप लोग मोटे मोटे गद्दे पर सोते होंगे, लेकिन इस गरीब के घर में तो यही है। कोई बात नहीं, बस आज रात की बात है। अरे आप कहे तो पूरा उरा हटा के भुइये पे जो सूत जाएंगे लंबा लंबा। क्या? हाँ भुइये पे नीचे सो जाते हैं। कोई नहीं, ये मजाक कर रहा है, छोड़िए इसे, मजाक कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग आराम कीजिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। ठीक है, ठीक। चलो 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 सोते हैं, आओ आ गया। कब लेके आएगी खाना यार? अबे अभी गई है, अभी जाएगी, पकाएगी, फिर लेके आएगी खाना। बहुत जोर से। अरे यार भूख लगी है। अबे चुप। अरे सुपरस्टार जोनी भाई से बे। अबे काहे का जोनी भाई? है चुप, सो जा। साला इस फिल्म के चक्कर में क्या से क्या करना पड़ रहा है। गया मंटुआ, अभी कभी से गया है पानी लेने, आया नहीं, हमको यहाँ जंगल में अकेला छोड़ गया। पता नहीं राइटर डायरेक्टर कहाँ गए हैं साले, अभी तक आए नहीं। फिल्म का लोकेशन देखने गए हैं, सबके साला ब्याह करने गए हैं। Oh, my God.
अरे ये कहाँ गया? जरूर उसी के पीछे गया। अरे बेटा तू क्यों बैठा है? उठ उठ, सब सो रहे हैं। Yeah.
जल्दी भाग रहा भाग जो अरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब, सालों तुम लोग हमको छोड़ के चले गए। अरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब, अरे तुम लोग कहाँ चले गए?
उधर चल, उधर गुड़गा तेज भाग रहा है। अमीर जल्दी आ। क्या हुआ? ये देख भाग भाग अमीर, चल जल्दी जल्दी चल। भाई मैं चश्मा भूल गया यार। अरे यार तुम पे चश्मे के परी है, ये जान की परी है। भाग, अरे भाग। भाई बहुत थक गया, दौड़ा। अरे नहीं दौड़ेगा तो भुत्ती मार डालेगा। भाग लगता कोई घर है। तुम ऐसा क्यों करना चाहती है? तुम सबको मार डालूंगी। क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बस तुमसे नहीं, संसार के हर मर्द से मेरी दुश्मनी है। मर्द जात से मुझे नफरत है। क्या किया है तुम्हारा? मैं इसी जंगल के पास गांव में रहती थी, इसी जंगल में मैं खूब घूमती थी। ऐसे एक दिन जब मैं घूम रही थी तो कुछ इंसानी दरिंदों ने मुझे घेर लिया और किसी जानवर की तरह
मैंने कब तुम्हें ऐसे गंदी नजर से देखा? लेकिन पापियों को तुम दिनों का भी तो नहीं। मुझे माफ कर दो। गुड बाय। अच्छा। अमित, कुछ हुआ तो नहीं अमित?